नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू भुजिए की रेसिपी। और इसमें एक ऐसी चीज़ डालने वाली हूँ जिससे आलू भुजिए बिल्कुल कुरकुरे बनते हैं, और वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चार आलू लिए हैं और धो के साफ़ कर लिए हैं, और इसके बाद में एक प्रेशर कुकर में आलू को डाल लिया है। और इसके बाद में पानी डालना है, तो पानी इतना डालना है कि आलू डूब जाए, इससे ज़्यादा भी ना डालें कम भी ना डालें। और ढक्कन मैंने लगा दिया है प्रेशर कुकर का। इसके बाद में जलाया है गैस, गैस के ऊपर मैंने रख दिया है, आलू को उबलने देंगे। और इसके बाद में एक कटोरी मैंने पोहे लिए हैं, तो पोहे को एक जार में डाल के बारीक पीस के पाउडर तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक हमें आटा चाहिए, तो इसके लिए एक बारीक छलनी लेंगे ताकि पोहे का आटा बिल्कुल जो है बारीक तैयार हो। तो बारीक छलनी से छान के तैयार कर लेना है। तो एक कटोरी में मैं डाल के माप करके आपको बता रही हूँ कितना मैंने पोहे का आटा लिया है। और ये आधा कटोरी पोहे का आटा तैयार हो गया है, इतना पर्याप्त है। तो आप पोहे की जगह चावल का आटा ले सकते हैं अगर आपके पास में चावल का आटा है तो। लेकिन आमतौर पर घर पे चावल का आटा मिलता नहीं है, फिर हम भुजिए ला के खा लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि कौन पिसाएगा कौन करेगा। तो पोहे जो है वो घर पे आसानी से मिलते हैं और बहुत ही जल्दी इसके पीस के आप आटा तैयार कर पाते हैं। और इसे आलू भुजिए में अगर आप डालते हैं तो बिल्कुल जो कुरकुरापन होता है भुजियों में वो बना रहता है। और इसी जार में मैं काली मिर्ची पीस के तैयार कर रही हूँ। तो काली मिर्ची को भी मैंने पीस लिया है, बारीक छलनी से छानना है ताकि जब हम नमकीन बनाएं तो अब जाली में अटके नहीं। तो इस तरह बिल्कुल बारीक काली मिर्ची पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह छान के मैंने तैयार कर लिया है। और इसी जार में मैं ले रही हूँ तेल, तेल आप जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं। तो एक कड़छी यहाँ पर मैंने तेल लिया है, इससे आधा हम पानी लेंगे। तो इससे आधा मैंने पानी लिया है और जार में डाल लिया है, और ढक्कन लगा के और थोड़ा सा हम इस तरह फेंट लेंगे। तो जब हम मोइन डालेंगे तो इसी का डालेंगे, इससे जो नमकीन भुजिए हैं आलू भुजिए बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में जो आलू है वो भी हमारे उबल गए हैं, 4 से 5 सीटी मैंने लगवा लिए है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं ढक्कन हटा रही हूँ, आलू को चेक कर रही हूँ। ये देखिए आलू अच्छे से उबल गए हैं। तो एक थाली में आलू को निकाल लेना है। तो आलू बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, ठंडे होने के बाद में छिलका निकाल रही हूँ। इस तरह छिलका निकाल के फिर हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ठंडे आलू ही हमें भुजिए में डालना है, गर्म नहीं डालना। तो इसके लिए आप ठंडा कर लें और फिर इस तरह कद्दूकस करके तैयार कर लें। और इसके बाद में कद्दूकस कर लिया है हल्का सा, मैं गिलास से दाब के भी थोड़ा तैयार कर रही हूँ। गिलास से भी थोड़ा सा इस तरह बारीक कर लें ताकि आलू के बिल्कुल भी ऐसे बड़े साइज के कण नहीं रहे। इस तरह बारीक थोड़ा सा गिलास से भी मैं कर रही हूँ। इसके बाद में एक बर्तन लिया है और जो हमने तेल और पानी को फेंट के तैयार किया है वो डाल लिया है, साथ में जो पोहे का आटा है वो भी डाल लिया है। और अच्छे से मिला देना है, इस तरह अच्छे से मिक्स कर देना है। तेल और पानी और पोहा, ये तीनों चीज़ें साथ में हो गई है। इसके साथ में जो आलू उबाल के रखे हैं वो साथ में मैंने डाल दिए हैं, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स कर देना है। और अच्छे से मैंने मिला लिया है। और इसके बाद में हम डालेंगे बेसन। तो एक कटोरी मैंने घर का बेसन लिया है, आप चाहे तो मार्केट का जो पिसा हुआ बेसन है वो ले सकते हैं, लेकिन घर के बेसन से टेस्ट अच्छा आता है। आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मैं ले रही हूँ काला नमक। और इसके साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो ये सब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। और इसके साथ में हम डालेंगे चाट मसाला 1 चम्मच, इसकी जगह आप अमचूर पाउडर ले सकते हैं। और इसके साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला। तो आप अजवाइन या जीरा आप ना डालें, नहीं तो जाली में अटक जाते हैं।
या अगर आप पीस के डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे भुजिए में कलर अच्छा आता है। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो पानी बिल्कुल भी अब नहीं डालना, जितना हमने तेल और पानी मिला के फेंटा था उतना ही पानी डालना है, उसके अलावा पानी नहीं डालना। आलू के साथ में अच्छे से बेसन को इस तरह मिला देना है, इस तरह भून के तैयार कर लेना है। तो इस तरह गूंथने के बाद में हल्का सा हम तेल लगाएंगे और वापस थोड़ा सा इस तरह तेल लगाने के बाद में गूंथेंगे ताकि चिकना आटा अच्छे से तैयार हो, और 5 मिनट के लिए फिर हम रख देंगे। उसके बाद में आलू भुजिया बनाएंगे। और इसके बाद में एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, गैस जला दिया है, और अभी मैं डाल रही हूँ तेल। तेल आप जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे और जो नमकीन वाली जाली आती है, जो मशीन आती है, इसमें हम बनाएंगे। तो अच्छे से पहले हम तेल लगा के तैयार कर लेंगे। जाली में अच्छे से तेल लगा देना है ताकि जब हम नमकीन बनाएं तो अच्छे से भुजिए जो है बन सके, चिपके नहीं जाली के साथ में। तो अच्छे से हर तरफ मैंने तेल लगा दिया है, और इसके बाद में जो हमने बेसन गूंथ के रखा है आलू के साथ में, वो इस तरह मशीन में डाल लेंगे। और अच्छे से डालने के बाद में इस तरह अच्छे से टाइट बंद कर देंगे ताकि जब हम नमकीन बनाएं भुजिए तब एकदम से खुले नहीं। और तेल गर्म हो गया, चेक करेंगे। तो अभी हम इस तरह नमकीन बना लेंगे, आलू भुजिए इस तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी जाली में अटकते नहीं है। तो काली मिर्ची पाउडर जो भी आप डालें तो थोड़ा छान के अगर डालते हैं तो जाली में अटकेंगे नहीं और सिकने देंगे। गैस को हम मीडियम आँच रखेंगे, पहले गर्म होने के बाद में फिर आँच को मीडियम कर देना है। तो तेल गर्म होने के बाद में फिर बनाएं और फिर आप मीडियम आंच पे इस तरह मुझे तैयार करके एक छलनी में डालते जाएं ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो बाहर निकलता जाएगा। और बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे। देखिए आसानी से आलू भुजिए इस तरह बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह आप घर पे भी आलू भुजिए तैयार कर सकते हैं। तो आँच आप थोड़ा मीडियम रखें, फुल भी ना रखें, बिल्कुल कम भी ना रखें, मीडियम आँच पे इस तरह आप भुजिए आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन रहे हैं और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस तरह बना के और फिर आप दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तब आप बाहर निकालने कढ़ाई से और जाली में डालते जाएं ताकि जो भी तेल है वो थाली में निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी है। और सारे इसी तरह हम बना लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। और एक बार अगर आप घर पे बना लेते हैं तो बार बार आप घर पे इस तरह बनाना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। और मार्केट से जो लाते हैं हमें तेल का भी पता नहीं होता, मसालों का भी पता नहीं होता। तो घर पे हम बनाते हैं तो हमें ध्यान होता है कि हमने क्या क्या मसाले डाले हैं, कौन सा तेल हमने लिया है। तो अच्छे से इस तरह भुजिए मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह मैं सारी भुजिए तैयार कर रही हूँ। तो ये आलू भुजिया हमारे तैयार है, बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और आपको दिखाऊंगे कितने कुरकुरे बने हैं, बहुत ज्यादा कुरकुरे हैं, जैसे हम मार्केट से लाते हैं। ये देखिए इनमें ऐसी आवाज है। तो अभी इस तरह थोड़ा बारीक कर लेंगे, जैसे आलू भुजिया मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसे इस तरह तैयार कर लेना है तोड़ के। और शुरुआत में आपको लगेगा कि तेल ज़्यादा है, लेकिन ये तेल अगले दिन तक सेट हो जाता है। जैसे हम मार्केट से लाते हैं तो पता नहीं कब पैक होते हैं पैकेट में, कब तक हमारे तक पहुंचते हैं, और वो तेल जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसी तरह ये भी सेट हो जाते हैं। और इसके बाद साथ में हल्का सा मैंने काला नमक डाला ऊपर, तो आप पहले चेक कर लें फिर काला नमक डालें। और इसके साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, तो इसकी जगह आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। और इसके बाद में हम थोड़ा सा इस तरह घुमा देंगे ताकि नमक और चाट मसाला अच्छे से आलू भुजिए में मिक्स हो जाए और छलने से हल्का बाहर भी आ जाता है
और इसके साथ में एक पेपर लिया मैंने, पेपर को इस तरह थोड़ा सा लगा दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है पेपर पे आ जाएगा और अगले दिन तक बिल्कुल जो तेल है सेट हो जाता है, नमकीन में बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता और बहुत ही अच्छे टेस्टी बने हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।